भाई कमाल हो गया, कमाल हो गया। लुंगी फाड़ के रुमाल हो गया। मैच में जो मजा आया है आज, विराट कोहली के बल्ले से शानदार शतक, 150 प्लस वाले पेसर की इस तरीके से धुलाई हुई है, इस तरीके से धुलाई हुई है कि क्या ही कहे। हमारा एशिया कप यहीं पे हो गया भाई। हमारा किंग कोहली के बल्ले से सेंचुरी हमने देख ली, केएल राहुल के बल्ले से सेंचुरी हमने देख ली, रोहित शर्मा ने छक्के पे छक्के लगाए, शुभमन गिल ने मार मार के जो है लाल कर दिया, 356 रन हम लोगों ने बना लिया। अब कोई जवाब है तो आप दे सकते हैं। बिल्कुल, दो विकेट के नुकसान पे भारत ने बनाए 356 रन। और क्या मुकाबला हुआ है भाई। आज थोड़ा सा जान हम लोगों के हलक में थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से केएल राहुल ने शुरुआत की, उसके बाद विराट कोहली ने जो अपना पांचवा गियर लगाया, उफ, सुकून है यार। बहुत दिनों के बाद टीम इंडिया का ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला, और ये जरूरी था, और ये जरूरी था भाई। बारिश की दुआ कर ले, अब तुम लोग बारिश की दुआ कर ले, क्योंकि आज जो है विराट कोहली ने बहुत सारे कीर्तिमान रचे हैं। 94 गेंदों का सामना किया, 122 रन की पारी खेली, 9 चौके 3 छक्के। लेकिन केएल राहुल की सबसे ज्यादा तारीफ होनी चाहिए यार। उस बंदे का पिछले 2-3 सालों से लगातार मजाक बनता आया है, मीम्स बनते रहे हैं, और आज 106 गेंदों का सामना किया, 111 रन की पारी खेली है, 12 चौके और शानदार 2 छक्के लगाए हैं। पाकिस्तान के फील्डरों के बारे में क्या ही कहने। अगर आप हाथ में मैच दोगे तो फिर हम लोग जो है उसका मलाई तो निकालेंगे ना। तो मलाई जो है आज जबरदस्त निकाला गया है। पाकिस्तानी पेसर्स हो या फिर स्पिनर्स हो, सब कोई धराशायी हो गया। और किंग कोहली के बल्ले से भाई, ये कोलंबो में किंग कोहली की लगातार चौथी सेंचुरी है, लगातार चौथी सेंचुरी है। और उसके बाद केएल राहुल इतने समय के बाद वो वापस आ रहे थे, डायरेक्ट बंदा हॉस्पिटल से पिच पे खेलने आया पाकिस्तान को, कि गेंदबाजों की जो धुलाई हुई है ना, लंबे समय तक याद रखा जाएगा। हालांकि ये पहली इनिंग्स ही खत्म हुई है, इतनी जल्दी किसी भी टीम को रूल आउट नहीं करते हैं, लेकिन जितनी तारीफ होना चाहिए वो कम पड़ेगा। और आगे वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए ऐसा प्रदर्शन की जरूरी थी हम लोगों को, ऐसा रन की जरूरत था, और यही हुआ है आज के मुकाबले में। यार नसीम शाह की गेंद पे जो विराट कोहली ने छक्का मारा ना, एकदम हरीश रॉफ की याद दिला दी थी वो जो एमसीजी वाला, हालांकि वो थोड़ा सा स्ट्रेट में नहीं था, लॉन्ग ऑन के ऊपर से जो छक्का मारा, लेकिन बल्ले का सही एकदम से स्ट्रेट में गया था, मजा आ गया भाई। मेरी तरह आज हर कोई खुश होगा। और मैं आपको बता दूं कि फहीम अशरफ को 10 ओवर में 74 रन पड़े हैं, इफ्तिकार चाचू को 5.5 ओवर में 52 रन पड़े हैं, 79 रन पड़े हैं किसको, शाहिनशाह अफरीदी को पड़े हैं, शादाब खान 10 ओवर 1 मैदान 71 रन और 1 विकेट उन्होंने झटका है, हैरिस रॉफ ने 5 ओवर 27 रन। आज जो है हैरिस रॉफ गेंदबाजी करने के लिए नहीं आए, क्योंकि उनको निगल था, और इसी वजह से वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए आज उनको बचाया गया। तो उनका बाकी का ओवर्स जो है इफ्तिकार अहमद ने डाला और पूरा पैसा वसूल हो गया भाई। मेरे पास अल्फाज नहीं है, एक से एक रिकॉर्ड जो है आज विराट कोहली ने अपने नाम किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड कप से पहले हमारी टीम जो है वो फॉर्म में आ गई है। जिस तरीके से वेस्टइंडीज में बल्लेबाजी हुई थी, देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन मजा आ गया। अब देखते हैं हमारी बॉलिंग कैसी होती है, अब पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत कैसी रहेगी, फकर जमान या फिर इमामुल हक कैसा रन बनाते, बाबर कैसा रन बनाते, या फिर उनका मिडिल ऑर्डर कैसा रन बनाते, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पैसा वसूल आज का मुकाबला हो गया भाई हम लोगों का। एशिया कप 7 बार जीत चुके हैं, ये 8वीं बार हम लोग जीतेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।